हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जो कि अपने घर को संभालते हैं लाइक हाउस वाइफ्स और स्टेइंग होम मम्स एंड कोई भी कोई भी हो सकता है अदानियाँ के सिर्फ हाउस के लिए ही वीडियो सो so, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ केयर एंड सेल्फ़ लव के बारे में आपने ये बहुत सुना होगा आजकल की दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टर्म है सेल्फ़ लव एंड सेल्फ़ केयर इसके मायने हर एक बंदे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से सेल्फ़ लव दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं ना तो आप किसी भी चीज़ को प्यार नहीं कर सकते हैं अगर आप मेरे तरह के बंदे हैं तो मैं ये डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि हम लोग ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को प्यार ही करते हैं ज़्यादातर हम अपने आप को हेट ही करते हैं क्योंकि हमें अपनी आ, हमारी फेस कैसा दिखता है वो अच्छा नहीं लगता हमारी स्किन कैसे है हमारी बॉडी कैसे है हमें अपने आप में बहुत सारा नुक्स नज़र आते हैं स्पेशली जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएँ एंड बाहर वाले शीशे में अपने आप को देखें ना तो हमें लगता है कि यार किया लाइक like, आपको अपने ऊपर कोई कपड़ा नहीं अच्छा लगता है आपको अपने बाल नहीं अच्छे लगते हैं आप अपने में इतनी सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं और आजकल वो वाला ज़माना है जब आपको अगर अपने आप में कुछ चेंज करना है तो लोग लो कर रहे हैं कोई अपना नक् चेंज कर रहा कोई आईज कोई लिप्स कोई बॉडी कोई अपनी जॉ चेंज कर रहा लाइक दे आर चेंजिंग एवरी फ्रिकिंग थिंग और वो चेंज करके कोई और ही इंसान बन जाते हैं मतलब कि उनको अपने आप से प्यार नहीं था वो चेंज करके चाहते थे कि मैं प्यार करूँगा पर फिर भी प्यार हो नहीं पाता है क्योंकि फिर उनको लगता है कि ये भी चेंज कर सकता हूँ ये भी चेंज कर सकता हूँ सो so, एक हॉरर स्टोरी बन जाती है सो so, अपने आप को प्यार करना दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जैसे भी हैं जो कि बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि अपने आप को प्यारी करना हो आई लव माई सेल्फ पर अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें अपने आप को कंपैशन दिखाना चाहें अपने आप को प्यार करें अपनी गलतियों को माफ़ करें पास्ट को कुरेदे नहीं प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत मुश्किल है पर अगर आप आज से करना शुरू करेंगे तो होपफुली वन डे आपको सक्सेस मिल जाएगा सो so, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हाउस वाइफ्स और मॉम्स और एनी लेडीज और गर्ल्स अपने आप से प्यार कैसे करें और अपनी केयर कैसे करें यू you नो know, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं प्रे की आप पानी वाला जो जग है आपके प्यार का वो खाली है तो उसमें किसी और का गिलास कैसे भरेंगे आपका अपना बर्तन तो खाली है सो तो जब आपका भरा होगा तभी आप किसी और को दे पाएंगे एक और चीज है आप अपने साथ तब से हैं जब से आप पैदा हुए हैं और आप अपने साथ तब तक रहेंगे जब तक आप मरते नहीं है बहुत लंबा सफर है और अपने आप को प्यार करना सीख लेंगे ना तो ये जो आपका जन्म है बर्थ है सक्सेस हो जाएगा सो so, सबसे सब पहली चीज़ है पर्सनल हाइजीन अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें जा शावर लें अपने बालों को बना के रखें औरल हाइजीन का ध्यान रखें अपने नेल्स पैरों के नेल्स और ऐसी अलतू फालतू जो भी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आती हैं उनको मैंटेन करके रखें ये बहुत ज़रूरी है कई बार आप छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि नेल्स टूटे फूटे हैं इट्स ओके बट अगर करेंगे तो अच्छा है क्योंकि ये बॉडी एक तरह का मंदिर है उसे पूरा सवार के बना के रखेंगे तो आप ही अच्छा फील करेंगे सो so, अगला है मेडिटेशन मेडिटेशन आपको अंदर से खुशी देता है अंदर से बाहर तक पीस आ जाता है काम हो जाता है सो मेडिटेट जरूर करें मेडिटेशन Medi के बहुत सारे फायदे हैं अब मैं कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेडिटेशन सिर्फ एक भक्ति नहीं है लाइक like, आप कोई रिलीजियस नहीं है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा आपको काम करेगा आपको पॉजिटिव करेगा नेगेटिव लोगों से दूर रखेगा और बहुत सारे रस्ते जो बंद पड़े हैं वो खुल जाएंगे सिर्फ मेडिटेशन करने से आपको कोई प्रो होने की जरूरत नहीं है आप बस शुरुआत करें रस्ते अपने आप खुलते जाएंगे आपको अपने आप वो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगी सो so, जरूर से मेडिटेट करें दस पंद्रह मिनट 5 मिनट पीस में अखा बंद करके बैठें एंड आत्म चिंतन करें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये चीज़ करके देखें आपको फ़र्क अपने आप मिल जाएगा सो क्विक मेकअप कर सकते हैं कोई भी आप अपना रूटीन अपनाएँ कि आप काजल पहनते हैं थोड़ा सा आप स्किन पे कुछ लगाते हैं तो वो आप स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि जब आप थोड़ा पुट टुगेदर होते हैं ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड फिर अपने आप पर प्यार भी ज़्यादा आता अपना सा चेहरा शीशे में देखने से आपका मन भी नहीं करता अपनी तरफ़ देखने के लिए कई बार तो पर अगर आप जब तैयार होते हैं थोड़े बाल बने होते हैं तो आप देख के आपको अपने ऊपर उन्ना गुस्सा नहीं आता तो ये भी एक सेल्फ़ लव की टिप है अपने मुंह को थोड़ा अपना सवार कर के रखें ये नहीं है कि आप पूरा आ, फुल कवरेज फाउंडेशन लगाएं फुल कवरेज मेकअप रूटीन, कुछ दो चार नीचे छोटे मोटे स्टेप हो सकते हैं कि आप बस कारा लगा लें काजल लगा लें बिंदी लगा लें लिपस्टिक लगा लें दैट्स इट कि आप थोड़ा लगे कि आपने अपने ऊपर कुछ समय स्पेंड किया है तो बहुत अच्छा फील होगा और अब बाल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मूड पे लड़कियों के जब हमारे बाल अच्छे होते हैं ना तो हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं ये देखिए मेरे बाल अभी मैंने कल धोए थे तो मेरे बालों की हालत कुछ इस तरह की होती है जो कि मैनेज बिल्कुल नहीं किए जा सकते नॉर्मल बंदे से और इससे मैं मेरी ज़िंदगी उलझी लगती है कि मैं किधर भी जाऊँ मुझे ना मेरा मेकअप अच्छा लगता है मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं सो अगर मैं उस पर पंद्रहवीं मिनट स्पेंड कर लूँ मेरा एक हफ्ता बहुत अच्छा निकल जाता है ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ मैं मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मैनेजेबल है सो so, इस तरह आप अपने बालों को जैसा भी आपको अच्छा लगता है बालों को बना के रखें ये सेल्फ केयर एंड सेल्फ़ लव में एक पहले स्टेप्स हैं जब आपको अच्छा फ़ील होगा वन डे ये भी आएगा कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप वैसे ही अच्छा फील करेंगे पर फिलहाल ये चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं आपकी खुशी में सो जरूर से करें सो so, आगे कुछ टिप्स है वो है कि मी टाइम ज़रूर से निकालें वो सुबह हो सकता है कि सारे बंदों के उठने से पहले उठ जाएं या शाम में दोपहर में कुछ भी ऐसा समय जिसमें सिर्फ आप अकेले हों आप उस समय चाय पिएँ और आत्मचिंतन करें मे भी कोई एंटरटेनमेंट ना हो आपके पास लाइक कोई फ़ोन ना देख रहे हो आप ना टी देख रहे हो बस थोड़ा थिंकिंग टाइम चाहिए आपको कई सारे विचार क्लियर हो जाएंगे उस समय पे कई सारी उलझने सुलझ जाएंगी उस समय पे जब आप अपने साथ अकेले समय बिताते हैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अगर आपका दिमाग थोड़ा गर्म है किसी से आप गुस्सा हैं आप बैठेंगे ना जब थोड़ा दस मिनट अपने आप आपको लगेगा यार मैं फालतू ही कर रही हूँ ये ये चीज़ को मैं लेट गो कर सकती हूँ सो मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको रिचार्ज कर देता है बहुत सारे आने वाले टास्क आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं तो अपने लिए ज़रूर से समय निकालें आप ही हैं आपके लिए अगर आप अपने ऊपर समय स्पेंड नहीं ना कर सकते तो सारा दिन पाँच दौड़ का क्या फ़ायदा यार अपने लिए पाँच दस मिनट दिन में ज़रूर निकालें बहुत मज़ा आएगा आपको जब आपको कोई परेशान नहीं करेगा कोई से भी हॉबीज़ फॉलो करें किताबें पढ़ सकते हैं कुछ भी करें पर जब आप हॉबीज़ को फॉलो करते हैं ना आपको लगता है कि आप अपनी सोल को कुछ खुराक दे रहे हैं जब आपको सोल को फूड मिलता है ना अंदर से हैप्पीनेस आती है अब आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ें करने में मज़ा आता है मे बी आपको घर को सफाई करने में मज़ा आता हो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में वो आपकी हॉबी हो सकती है जैसे मुझे मेकअप के साथ प्ले करना अच्छा लगता है मुझे कपड़ों के साथ प्ले करना अच्छा लगता है लाइक like, डिज़ाइन करना कटिंग करना कुछ ना कुछ क्रिएट करना पेंट करना पोइम्स बहुत सारी हॉबीज़ है मेरी तो सो so, मुझे समझ में नहीं आता कौन से दिन में मैं क्या करूँ सो so, उससे ना फुलफिल लगता है लगता है कि तू ही कुछ किया है और दुनिया में आप कुछ हैं लाइक like, की एग्जिस्टेंस है बस आप सिर्फ सवेरे उठे के रोटी पानी ये आप में आपका इंडिविजुअल भी कुछ है सो ज़रूर से किसी भी हॉबी को फॉलो करें बहुत अच्छा लगेगा आप दोस्तों मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम सारा घर ऑर्गेनाइज करते हैं ना अगर हम दिमाग से शांत एंड अच्छा नहीं होंगे तो सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको उदासी कहाँ से आ रही है सो मेंटल हेल्थ को चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए सबसे पहले टिप मैं बताना चाहूँगी ग्रैटिट्यूड लिस्ट वो आप लिख भी सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं स्पेशली जब आप उठते हैं ना तो ग्रैटिट्यूड दिखाएं स्पेस को ऊपर वेख के बो डाउन करें एंड थैंक्स करें कि आप जिंदा हैं आप हेल्दी हैं आपके सर पे छत है जो भी आपको लगता है कि जिसके लिए आपके पास ग्रैटिट्यूड है वो शो करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लगता है कि आप एडे बड़े इंसान हैं पर आप इस इतने बड़े यूनिवर्स में इन्नू से हैं सो so, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तो अच्छा है आपको भी अच्छा फील होगा वैसी चीज़ें और आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए तो भाग रहे हैं पर एक्चुअली आपके पास कितना कुछ तो है तो सुबह एंड शाम सोने से पहले उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं जो आपके पास है और आप एक्चुअली थैंकफुल हैं यूनिवर्स के कि उसने आपको ये चीज़ें दी बहुत अच्छा फील होगा एंड ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ग्रैटिट्यूड दिखाना वो लिख के बोलें लिख के रखें या मुंह से बोलें पर ज़रूर करें अगला है कुछ भी नेचर में करें लाइक नेचर में समय स्पेंड करें मे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं मिट्टी को हाथ लगाना मिट्टी पे पैर नंगे पैर वॉक करना और बाहर आउटसाइड वॉक करना लाइक फ्रेश हवा को अपने अंदर खींचना कुछ भी आउटसाइड नेचर है ना जरा और राब लाइक अगर आपको नेचर के साथ प्यार हो जाए ना अदर अब आप आपको मिल गया है क्योंकि आप उस मिट्टी से हम लोग आए हैं और उसी के साथ जब आप अटैच होते हैं ना ग्राउंडेड होते हैं तो अद्धी मेंटल हेल्थ आपकी सही हो जाती है आपको अलग लेवल की पीस एंड कामनेस फील होगी अगर आप नेचर में समय स्पेंड करें पेड़ को टच करना नेचर में जाके अपनी पांचों सेंस यूज करनी स्मेल करने की टच करने की फील करने की टेस्ट करने की ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हेल्पफुल है ना कि आप रिफ्रेश हो जाएंगे सो so, ऐसा कुछ एवरी डे जरूर से करा करें अगर आपके घर में प्लांट है उनके साथ समय स्पेंड करें मिट्टी में हाथ फेरे या फिर बाहर वॉक करने जाए और फ्रेश हेयर को अंदर सीप इन कर लें बहुत अच्छा फील होगा एंड थर्ड टिप है मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ कम्पेशन अपने आप को कंपेशन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो एंजाइटी है ना वो आप के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है आपको सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं आप और आपको अपने आप में बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं आपको लगता है कि यार सारा कुछ जो भी मेरे साथ गलत हो रहा है वो मैंने ही किया है तो हमारे अंदर एक क्रिटिक बैठा है ना हमारा दिमाग ही वो आप में इतनी गलतियाँ निकालेगा कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में गलत हुआ है या जो भी सिचुएशन है वो तुम्हारी वजह से ही हुई है तो उस समय पर आपको फ्लड इन करना है अपने आप को अच्छी बातों के साथ अच्छी एफरमेशन के साथ एंड अपने आप को कंपैशन दिखाना है कि तुम नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई पर तुमने बहुत अच्छा किया अपने आप को फिल इन करना है प्राइड के साथ एंड जो गिल्ट वाली फ़ीलिंग होती है उसे लेट गो करना है अपने क्रिटिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना जब भी आपको लगता है ना अपने आप से आप बुरा बिहेव कर रहे हो तो वहीं पर स्टॉप करना है एंड अच्छी बातें अपने आप को बोलना शुरू करना है एंड पास्ट को कुरेदना नहीं है आपसे अगर पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं सबसे होती हैं सो उसको फॉरगिव कर दें अपने आप को फॉरगिव कर दें उन चीज़ों से क्योंकि वो वैसे ही होना था उससे बिना वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता था सो so, अपने आप को फॉरगिव करें एंड अपने अंदर की गलतियों को हील करें हील आप मेडिटेशन के साथ कर सकते हैं अपने आप को फॉरगिव करें अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत है उसे भी फॉरगिव कर दें क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं ना करेंगे तब तक ये कर्मा का सर्कल चलता रहेगा अगर आपको उसको कट ऑफ करना है ना तो फॉरगिव करें अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे अपने इनर चाइल्ड को या इनर सेल्फ को हील करना है और किसी को कैसे माफ़ करें स्पेशल वीडियो तो बनाएंगे बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम सो वो ये कुछ टिप्स हैं माइंडफुलनेस की कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करें सो so, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी दूसरे बंदे के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि आप आप है एंड वो बंदा वो है आपके साथ मैच करती पर्सनैलिटी आपके जैसे कर्मा आपके जैसी सिचुएशन दुनिया में किसी और दूसरे बंदे की नहीं है आप इंडिविजुअल हैं और बिल्कुल सबसे डिफरेंट है और आप किसी और के जैसे कभी भी नहीं हो सकते हैं अगर आप अपने आप को अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो वो बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो लोग वही दिखाते हैं वो जो दिखाना चाहते हैं वो अगर बहुत खूबसूरत है उनकी लाइफ ऑन द पॉइंट चल रही है वो वही दिखाएंगे जो उनको अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा हर कुछ पूरा चौबीस घंटे उनके घर में कैमरा चल रहा है और वो कुछ भी दिखा रहे हैं सारे यहाँ लाइफ ऑलमोस्ट सेम होती है पर जब आप शूट कर रहे हैं तो आप परफेक्शन ही दिखाना चाहते हैं अगर आप उसको कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को लेट डाउन कर रहे हैं दुखी हो रहे हैं सैड हो रहे हैं उसमें सिर्फ आप ही का नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा और कंपेरिज़न बिल्कुल मत करें शायद आपकी सिचुएशन उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो इसी पॉइंट पर ग्रैटिट्यूड हेल्प करता है जब आप अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि आपको क्या चीज़ें मिली हैं तो आप कंपैरिजन से थोड़ा दूर हो जाते हैं कि यार मेरे को मेरे पास ये है ये है ये है सो इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी चीज़ें आपके पास हैं एंड कंपैरिजन किसी भी खुशी का अंत कर देता है कंपैरिजन का कोई भी एंड नहीं है एंडलेस कंपैरिजन कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में से अगर आप कोई चीज़ पिक करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक बंदा डिफरेंट होता है और आज मैंने जो टिप्स बताई हो सकता है ये आपको रिलेट ना करें और आप इसको फॉलो करके आपको कोई हेल्प ना हो सो so, आप अपने हिसाब से चलें जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें जो आपका दिल कहता है जब आप अपने दिल की सुनते हैं ना तो आप सही डिसीजन ले रहे होते हैं इसीलिए कहते हैं कि अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए सो so, ये नहीं है कि ये सारे टिप्स फॉलो करके आपकी जिंदगी उथला पुथली हो जाएगी हो सकता है कि कुछ भी ना हो आप अपने दिल की सुने अपने हार्ट की कि वो क्या कह रहा है आप तो उससे ज्यादा अच्छा पता है पर यह हो सकता है कि आप ये टिप्स को फॉलो करें एंड रिजल्ट देखें कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं मैंने वही चीजें बताई हैं जो हर कोई कर सकता है और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में चेंज आया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और एंड में मैं यही कहना चाहूंगी यू डू यू अपने जैसा करें जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें फुलफिल एंड खुश फील करेंगे हर दिन खुशी के साथ उठेंगे खुशी के साथ बेड पे जाएंगे टेंशन नहीं लेनी दुनिया की कि कोई क्या क्या चाहता है पर ये है कि अपने आप को प्यार जरूर करें अगर इन सारी चीज़ों में एक चीज लेना चाहते हैं ना तो अपने आप से प्यार जरूर से करें क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं ना करेंगे तो आपसे कोई भी प्यार नहीं करेगा और आप अपनी बाहर वाली बॉडी नू भुल जाएं आप अपने अंदर वाली सोल याद रखें और उन्होंने प्यार करें उसे बहुत ज़्यादा जरूरत है प्यार की अगर आप प्यार करेंगे ना बहुत हैप्पी एंड फुल फील हो जाएगी आपकी सारी जिंदगी ओके okay, दोस्तों सो so... आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप इसमें से किसी भी चीज को चाहते हैं मैं अलबोरेट करूँ या कोई और नया टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज करें जरूर से उस पर बातचीत कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ मैं मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा ज्ञान दुनिया में बंटू एना ज्ञानी नहीं हूँ मैं वैसे पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा जब बेहतर बनाऊ एंड जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना तो मैं थोड़ी नवी चीज़ों वाल मेरा इंटरेस्ट आ रहा है पुरानिया फालतू चीज़ों वाल मेरा इंटरेस्ट घट रहा है सो मैं चाहती हूँ जैसा मैं फील कर रही हूँ ना आजकल तो मैं थोड़ा जहां भी दसा शायद तो और ना हेल्प हो पाए सो so, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो से आपकी हेल्प हो पाएगी और आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बार में जरूर बताना मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं मुझे मैसेजेस करें कमेंट करें बातचीत करें मेरे साथ कि की चल रहा है आपकी ज़िंदगी में मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गई अवटीफुल यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू गई कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग All you have to do is think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye.